सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी वेजिटेबल ओट्स उपमा। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ओट्स बहुत ही ज्यादा लाइट रेसिपी होती है और ओट्स में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, इसीलिए आप ओट्स की रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल ओट्स उपमा। और आपको अगर ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल ओट्स उपमा बनाने के लिए हमने फ्रेंड्स एक मीडियम साइज का प्याज है, एक छोटी सी शिमला मिर्च है, एक छोटी सी पीस गाजर का है। हमने इन तीनों सब्जियों को बहुत बारीक बारीक काट लिया है। आधा नींबू लेंगे और लगभग यहाँ पर 2 सर्विंग स्पून हमारे यहाँ उबले हुए मटर है, 1 बाउल ओट्स है। मसालों में हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमारे यहाँ चीनी है। थोड़े से ये करी पत्ता लिए हैं। 2 सर्विंग स्पून हमारा ये वेजिटेबल ऑयल है। एक बहुत छोटा सा पीस टमाटर का है जिसके हमने सीड्स निकाल दिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। 4 से 5 हमने काजू लिए हैं जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस पे काट लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ चने की दाल है जिसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था और उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। और 1 टीस्पून के लगभग हम यहाँ सरसों लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर जो ओट्स है वो हमने डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और फुल फ्लेम पर हम अपने ओट्स को बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। हमने 1 से 2 मिनट के लिए अपने ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इन ओट्स को अपनी एक प्लेट पे निकाल लेंगे और गैस को अभी बंद कर देंगे। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर अपना ये वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। और अब हम ये चने की दाल डाल देंगे। और सरसों भी डाल देंगे। और चने की दाल को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चने की दाल हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये काजू डाल देंगे और अपना अदरक और हरी मिर्च भी डाल और इनको बस चला लेंगे 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, काजू का टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए आप काजू इसमें जरूर ऐड करें। आप देख सकते हैं काजू हमारे हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब हम प्याज ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम फुल कर लेंगे और प्याज हल्के ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये मटर, गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और चला लेंगे। फ्रेंड्स, हम अपना ही करी पत्ता ऐड करना भूल गए थे, इसको भी हम डाल देते हैं। और अब हम अपने ये सारे मसाले डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर ये ओट्स डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमने ओट्स अपने 1 बाउल से मेजरमेंट किए थे तो इसी बाउल से हम 2 बाउल्स पानी डालेंगे, यानी कि 1 बाउल हमारा ओट्स था तो 2 बाउल्स हम पानी डालेंगे। 1 बाउल अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया है और हमारा जो ये आधा नींबू था फ्रेंड्स, हम ये भी अब इसमें निचोड़ देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढककर लगभग 2 से 3 मिनट तक
अभी इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तीन मिनट हो गए हैं, ढक्कन उतार कर देख लेंगे। ओट्स सॉफ्ट हो गए हैं, हमारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम कर लेंगे फुल और एक मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे इसका जो एक्सेस वाटर है वो सब निकल जाए। और अब हम इसमें भी ये टमाटर भी ऐड कर लेंगे और हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वेजिटेबल ओट्स उपमा बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, ओट्स अपने आप में बहुत ज्यादा फाइबर रखता है, इसीलिए आप इसको जरूर ट्राई करें। और बस हमारा ये ओट्स उपमा बनकर रेडी हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया हमारा वेजिटेबल ओट्स उपमा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, इसको बनाने में हमें बस केवल 7 से 8 मिनट ही लगे हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमने अपने ओट्स को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनाया है, इसको हमने थोड़ा सा पानी रखा है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वेजिटेबल ओट्स उपमा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और अपने कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।